हाय गाइस, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल टाइम आर्ट में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि मैंने एक्रिलिक वर्सेस पोस्टर कलर ऑन पेपर पे आज इस टॉपिक पे मैं आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है, बहुतों के दिमाग में रहता है कि क्या हम एक्रिलिक कलर को पेपर के ऊपर कर सकते हैं जैसे कि हम पोस्टर कलर यूज़ करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आज आपके साथ एक्रेलिक वर्सेस पोस्टर कलर ऑन पेपर पे डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग पे भी बहुत साल पहले आया था, क्या हम एक्रेलिक कलर को पेपर पे कर सकते हैं जैसे कि हम पोस्टर कलर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्रिलिक कलर क्या है और पोस्टर कलर क्या है। एक्रिलिक कलर जो है वो है आपका वाटर सॉल्यूबल कलर, और एक्रिलिक कलर में आपका एक्रिलिक कलर जब आप कर देते हैं पेपर पे, जब हम करते हैं एक्रिलिक कलर को, तो वो ड्राई होने के बाद अगर उसको हम इधर से उधर करने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल नहीं होगा। एक्रिलिक कलर जो है वो आपका वाटर को रेसिस्ट करता है। पोस्टर कलर भी वाटर सॉल्यूबल होता है, पर पोस्टर कलर ड्राई होने के बाद वाटर से उसको ये करने की कोशिश करोगे तो वो ख़राब हो सकता है। एक्रिलिक कलर जो है वो परमानेंट के लिए होता है, मतलब कि अगर आप कोई भी वुड पे कर रहे हैं या फिर किसी भी मीडियम पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्रिलिक कलर आप यूज़ कर सकते हैं, पर पोस्टर कलर आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्कूल के बच्चे अधिकतर पोस्टर कलर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो लोग पोस्टर पेंटिंग ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। जैसे मैं भी जब स्कूल में या फिर कॉलेज में थी तो मैं पोस्टर कलर ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती थी, पर अभी एक्रिलिक कलर मैंने कुछ साल से करना शुरू किया। मैंने इस बात को एक्सपेरिमेंट किया कि क्या है, दोनों के बीच में क्या ऐसा डिफरेंस है। तो मैंने देखा कि हाँ, एक्रिलिक कलर जो है वो परमानेंट, अगर पेपर पे करो या कैनवस पे करो तो वो परमानेंटली आप वो ये हो जाता है ड्राई होने के बाद, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर पोस्टर कलर जो होता है उसे हम के थ्रू वो इधर उधर हो सकता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले डेमो करके दिखाऊंगी पोस्टर कलर और एक्रिलिक कलर को पेपर के ऊपर करके, उसमें पानी से आपको दिखाऊंगी कि एक्रिलिक में होता है और पोस्टर कलर में क्या होता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, साथ एक छोटा सा पेंटिंग शेयर करूंगी, एक्रिलिक और पोस्टर कलर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को करके दिखाऊंगी कि एक्रिलिक कलर पेपर पर किस तरह से कैसे दिखता है और पोस्टर कलर कैसा दिखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने आपको पेपर पे एक्रिलिक कलर थोड़ा सा लगा के दिखाया और पोस्टर कलर लगा के दिखाया, दोनों में पानी का यूज़ करके दिखाया कि एक्रिलिक कलर में जब मैं पानी से ब्रश लेके कर रही हूँ तो वो बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं हो रहा है, और पोस्टर कलर में जब मैं कर रही हूँ तो वो इधर का उधर हो जा रहा है। तो चलिए, तो अब मैं आपको एक छोटा सा पेंटिंग शेयर करती हूँ जो एक्रिलिक कलर और पोस्टर कलर दोनों में क्या कलर का डिफरेंस है वो करके आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं।
तो गाइस मैंने आज आपके साथ एक्रेलिक कलर और पोस्टर कलर के बारे में डिस्कस किया। शायद ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आपके किसी फ्रेंड्स को अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि समझने में कि क्या है एक्रेलिक कलर, क्या है पोस्टर कलर, पेपर पे कैसे किया जाता है, हम एक्रेलिक कलर पेपर पे कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट बनाती हूँ, तो पोर्ट्रेट वाले वीडियोज़ आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।